हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ अपना एक और ब्लॉग, डे इन माय लाइफ। ये दिवाली ब्लॉग भी है, ये ससुराल ब्लॉग भी है, टू इन वन टाइप का ब्लॉग है, क्योंकि दिवाली के टाइम पे हम लोग अपने इन लॉज के यहाँ आए हुए हैं, मतलब मेरे इन लॉज और मेरे हस्बैंड का घर। हालांकि मुझे अपना ससुराल बहुत पसंद है और मेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा आपको थोड़ी सी ख़राब लग रही होगी, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई थी। अब ठीक है, मतलब मेरे इन लॉज लकीली, मतलब सच में वो उनकी दवा दारू से मैं ठीक हो गई हूँ। ठीक है, अब इतनी ख़राब नहीं है। इन लॉज मेरे बहुत बहुत अच्छे हैं, बहुत केयर करते हैं, ऐसे इन लॉज सबको मिले। और अजान स्टार्ट हो गया, अजान की आवाज़ आ रही है, बहुत अच्छा लगता है। बेंगलोर में तो मुझे पता ही नहीं मैंने कभी अजान की आवाज़ भी सुनी होगी, मतलब दिवाली और अजान क्या बात है, पता नहीं आप सुन पा रहे हैं या नहीं। और तो ये जो मेरा ससुराल है वो वेस्टर्न यूपी में पड़ता है। मैं यूपी से ही बिलोंग करती हूँ, मैं आपको बता चुकी हूँ, शायद अब आप सुन रहे होंगे। मेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा ख़राब है, उसके बावजूद मुझे डेस्परेटली ये वाला व्लॉग आपके साथ में शेयर करना था, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ में ये शेयर करना चाहती हूँ कि मैं कहाँ से आई हूँ, मेरे रूट्स क्या है, मेरी फैमिली कैसी है और कौन सी जगह से आई हूँ, जिस जगह से मैं आती हूँ वो कैसी है। क्योंकि बेंगलोर की लाइफ में और जो लाइफ मैंने 20-25 साल गुजारी है, दोनों में बहुत अंतर है, बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। तो बस मुझे आप लोगों के साथ में अपने रूट्स, अपनी ओरिजिनल प्लेस सब शेयर करना था। 20 सालों तक जो परवरिश और जिस जगह से मैं और मेरे हस्बैंड आते हैं वो लगभग एक जैसी ही है, हालांकि 60 किलोमीटर्स का अंतर है दोनों शहरों में। ये वेस्टर्न यूपी में है ये वाला शहर, छोटा सा शहर, और मेरा वाला उत्तराखंड में पड़ता है। बट लाइफस्टाइल एक जैसा है, लोगों का रहन सहन, खान पीन लगभग एक जैसा ही है। हालांकि हम लोग यहीं से बिलोंग करते हैं, बस ये कि मेरे फादर की जॉब उस वहाँ पर उत्तराखंड की है, क्योंकि जब डिवाइड हुआ था बोलापाट उत्तराखंड में चला गया था, आज से शायद काफ़ी, मतलब 2001 की बात है जब उत्तराखंड और जब यूपी डिवाइड हुआ था, वो उत्तराखंड हो गया था। तो ये बहुत छोटा शहर है वेस्टर्न यूपी का, और जो अगर आप में से कोई अगर छोटे शहर में रहते हैं या कभी गए हैं तो आपको पूरा पीछे का जो बैकग्राउंड है वो सब एक छोटे शहर जैसा दिखाई देगा, मतलब बड़े बड़े घर, बड़ी बड़ी छत, इतना खुला एनवायरनमेंट, और बहुत अच्छा है। यहाँ पे सनसेट हो रहा है, मैं भी आपको दिखाऊँ, मेरे पीछे सनसेट हो रहा है। बस थोड़ी देर में हम लोग दिवाली की पूजा स्टार्ट करेंगे। तो बस मेरा यही था ये आज का व्लॉग बनाने का, कि मैं आपको आपके साथ में अपने रूट्स, अपनी ओरिजिनल प्लेस ये सब मैं शो करना चाहती हूँ। क्योंकि बेंगलोर में बस हम रहते हैं, हमने घर ले लिया है, जॉब है, बेटा वहीं की पैदाइश है, तो ठीक है। लेकिन जो मज़ा यहाँ है वो मज़ा शायद वहाँ के अपने अलग मज़े हैं। और ये मैं अपने घर की ही छत से ले रही हूँ ये वाला व्यू। ये हमारा डबल स्टोरी घर है, तो उसकी जो छत है मैं वहाँ से ये व्यू ले रही हूँ। सनसेट हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और ये ट्रेन ट्रैक है, मतलब रिधान तो जब से आया है उसको सारी ट्रेन देखनी है, सारे ट्रेन, मतलब उसको बस यहीं पर बिठा दो, सारी ट्रेन दिखाते रहो उसको, मतलब ट्रेन देखने में बहुत मज़ा आ रहा है। एक्चुअली रिधान 3 साल का हो गया है, लेकिन वो खोने वाला है जनवरी में, वो 3 साल का हो जाएगा, लेकिन वो कभी भी ऐसे ट्रेन में नहीं बैठा है, इसलिए शायद उसका बहुत एक्साइटमेंट है ट्रेन को देखने का। तो मेरे ख्याल से ये, मतलब आपको हर छोटे शहर का जैसे व्यू होता है वैसा ही दिख रहा है। इस तरह मार्केट है, अभी मार्केट नहीं दिख रहा है, वैसे मार्केट बहुत अच्छे से डेकोरेट हो रखा है, बहुत भीड़ है, बहुत ज़्यादा ही भीड़ है, मतलब मैं कल गई थी बहुत भीड़ थी। और यहाँ पर हमारी दिवाली की पूजा स्टार्ट हो गई है। मेरे ससुराल में मेरी दादी सास, मेरे सास ससुर, जेठ जेठानी और उनकी बेटी साइशा, साइशा सबसे छोटी मेंबर है हमारे घर की, और साइशा का ही जस्टोन होने वाला है। जस्टोन मतलब जो बर्थ का जो फंक्शन होता है उसे हमारे यहाँ जस्टोन कहा जाता है। और मेरी तबीयत कुछ ठीक सी नहीं है, तो इसलिए मैं बहुत कुछ
कुछ भी हेल्प नहीं करवा पा रही हूँ। दिवाली की जो भी साफ़ सफाई है, जो भी खाना वगैरह बन रहा है, वो मेरी सासू माँ या फिर मेरी जेठानी ही कर रही हैं। और बस मैं यहाँ पर दिया जलाने वाला काम कर सकती हूँ, तो मैं यहाँ पर दिए जला रही हूँ और मेरे साथ में ये दोनों बच्चे मेरी हेल्प कर रहे हैं। तो हेल्प के नाम पर आप देख ही सकते हैं वो मेरी क्या हेल्प कर सकते होंगे। तो बस मैं यही कर रही थी, दिया जलाया था, पूजा हमारी हो चुकी है और बस इसको मेरे हस्बैंड और मैंने ही सब पूरे घर में रख दिए थे सारे दिए। और दिवाली पर दिए जलाना मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये हमारे घर का बाहर का गार्डन है जहाँ पर मैं दिए रख रही हूँ अभी। आप सभी को और आपके पूरे परिवार को हैप्पी दिवाली। मुझे नहीं पता कितनी आवाज़ जा रही है क्योंकि बाहर बहुत पटाखे का शोर हो रहा है। आई थिंक आप लोग भी इंजॉय कर रहे होंगे और विधान तो बस अभी खा पी के पटाखों का इंतजार कर रहा है, उसे देखना है कि पटाखे, वो पटाखों से बहुत डरता है, मतलब पटाखे से डरता है, लेकिन वैसे वो लोगों बहुत इंजॉय करता है, जैसे लाइटनिंग वगैरह, फुलझड़ी और रॉकेट। रॉकेट तो वो एकदम बहुत इंजॉय कर रहा है, रॉकेट अच्छा लगता है, अनार इंजॉय कर रहा है। और आजकल वो होती है मतलब है हॉट एयर बैलून टाइप का कुछ होता है जो आकाश में होता है, तो विधान उसको भी बहुत इंजॉय करता है। और एक और चीज़ है, ये नल है मेरे पीछे आप लोग देख रहे होंगे, तो गांव में मिलेगा। आजकल तो इस टाइप का नल हैंडपम्प नहीं होता है, लेकिन पहले बहुत चला करता था, मतलब पहले यही हुआ करता था, उनको हमेशा पानी मिल जाया करता था। और दिवाली के नेक्स्ट डे हम लोगों ने हवन करवाया था शायशा के जन्म की खुशी में। हवन बहुत अच्छा होता है। और शाम को हम लोग अपने गांव जा रहे हैं, गांव मतलब जो मेरे हस्बैंड का गांव है, हम वहां जा रहे हैं। वो जो गांव है वो मेरे ससुराल से करीब 4 या 5 किलोमीटर दूर है। अब तो क्या काफ़ी अच्छी सड़क हो गई है, आज से 30 साल पहले इतनी अच्छी सड़क नहीं हुआ करती थी, लेकिन व्यू बहुत अच्छा था। यहाँ पर सनसेट हो रहा है और बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत सब खेत खलिहान बहुत अच्छे हैं सब कुछ। और अब मैं यहाँ पर अपने ससुराल में हूँ, मेरा गांव है ये, तो हम अपने गांव वाले घर में आ रखे हैं। एक पूजा है, मतलब दिवाली का जो नेक्स्ट डे होता है उस दिन एक पूजा होती है, गोवर्धन पूजा बोलते हैं उसको, तो उस लिए आ रखे हैं। और पीछे का बैकग्राउंड आपको पूरा गांव वाला दिखेगा। और ये जो मैंने सर पे पल्ला रखा तो है वो मम्मा इधर इधर आ जाओ रेधा, और जो मैंने हाँ इधर आ जाओ रेधा ऐसे, और विधान को तो बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पर। और जो मैंने यहाँ पर ये सर पे पल्ला रखा है ये लगती हैं बहू है, जो वेस्टर्न यूपी को बिलोंग करते हैं उनको पता ही होगा। तो ये वाला जो घर है ये थोड़ा स्पेशल भी है मेरे लिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड का बर्थ इसी घर में हुआ है, इसी गांव वाले घर में हुआ है। और इस गाँव के घर से बेंगलोर का सफ़र उनके लिए इतना आसान तो नहीं रहा होगा। तो अभी जो मेरी ससुराल है वो यहाँ से 4 या 5 किलोमीटर दूर शहर है वहाँ पर है, लेकिन ये गांव वाला घर है हमारा। इधर इधर जब वो किसका घर है, ये हमारा घर है, ये पापा का घर है। कौन सा? ये वाला पापा का बर्थ प्लेस है, पापा इस घर के हैं। तो ये है वो घर, बहुत पुराना घर है, तो यहीं पर मेरे हस्बैंड का बर्थ हुआ था। अब तो खैर नया पोर्शन बन गया है, तो इधर ये नया पोर्शन बना है, अभी नया बना है, मतलब 1 साल हुआ है मेरी कज़न की, मतलब मेरी ननद की शादी के टाइम पर ही बना था। अदरवाइज पहले यहीं पर ये वाला घर हुआ करता था और इसके ऊपर जो अब तुड़वा दिया गया है। और इधर है हमारे कुछ गाय वगैरह जो बांधी जाती हैं उनका है ये, तो इन्हें शायद घेर बोलते हैं या आपके यहाँ क्या बोलते हैं, मेरे यहाँ इस चीज़ को घेर बोलते हैं, जो यहाँ पर गाय वगैरह को रखते हैं, गाय बैल उनको रखा जाता है। और ये है मशीन, कुट्टी काटने वाली मशीन, तो कचारा मतलब जो गाय चारा खाती हैं वो है। तो ये है घेर, और ये है किचन जो अब बंद है क्योंकि नई किचन अंदर हो चुकी है, चूल्हा जो कभी कभी यूज़ होता है। और ये है गोवर्धन पूजा के लिए ये तैयार किया गया है। तो ये जो गांव, ये जो जो भी गाय वगैरह होती हैं उनके गोबर से ये सब बनाया गया है। तो इसमें हम अपने गाय की पूजा करते हैं, अपने धान की पूजा करते हैं, अपने औजारों की पूजा करते हैं जिनसे किसान
अपनी जीवन व्यतीत करते हैं, मतलब जो उनके लिए सोर्स ऑफ अर्निंग है, तो उसके लिए ये सब बनाया गया है। यहाँ पर एक एक प्रतीक के तौर पर यहाँ पर जितने ही आपके घर में गाय बैल होती है वो बनाई गई है, ये गोवर्धन बनाए गए हैं, धान रखा गया है, तो ये सब चीज़ें बनाई गई हैं और इसकी एक पूजा होती है। तो हम उसी पीछे पूजा के लिए यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर कढ़ी चावल बनते हैं। और ये मेरे पीछे गन्ना रखा गया है, इस गन्ने की को भी रखते हैं पूजा में, और इसके साथ ही कढ़ी चावल बनते हैं, उन सब की पूजा होती है। तो बस ये दिवाली के अगले दिन ही होती है, तो सबकी पूजा होने वाली है। बस यही है मेरा गांव वाला घर, यहाँ पर चाचा चाची रहते हैं और हम लोग आते हैं, हम मतलब जब भी हम लोग आते हैं हम यहाँ पर आते हैं। और ये घर मतलब मेरे हस्बैंड का बर्थ इसी घर में हुआ है, उनकी प्री मैच्योर डिलीवरी हुई थी, मतलब दादी बताती हैं कि 8 महीने के वो बॉर्न हैं, 8वें महीने में हो गए थे, घर में कोई भी नहीं था, दाई भी उनके बर्थ के बाद आई थी, तो मतलब बर्थ हो चुका था उसके बाद दाई आई थी। मेरे जो बड़े ब्रदर इन लॉ हैं उनका भी जन्म इसी घर का है, और उसके 4-5 साल बाद वो लोग शहर मूव हुए हैं जो यहाँ से 4 या 5 किलोमीटर दूर है। और यहाँ पर बस सिद्धान अपनी मस्ती कर रहा है। तो बस इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ, मैं इसके बाद आपको आप लोगों के साथ में शाशा के जस्टून वाला ब्लॉग शेयर करूँगी, प्लीज़ आप लोग देखिएगा और आप लोग मुझे बताएं आपको क्या पसंद आता है, मैं उस पर ब्लॉग ज़रूर बनाऊँगी। तो मिलती हूँ मैं आपसे एक और नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।